अगर तेरे को नहीं लगता कि हम उनका पैसा चुकाना चाहते तो तुम मार दे मेरे को, सुसाइड तो नहीं करूंगा मैं कुछ भी हो जाए। मैं क्या धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, मैं जा रहा हूँ मुंबई, आप देख लेना, आप संभाल लेना। तो मैं प्रेयर करके अरदास करके मुंबई चला गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको तारक कैसे मिला? हाउ, व्हाट वाज द फर्स्ट डे, हाउ यू वेंट फॉर द ऑडिशन, व्हाट हैपेंड? Hi, I welcome you to PS Rathore Talk Show. And today, we have a person जिसने अपने आप को प्रूव किया कि अकेले भी चीजें बनाई जा सकती हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, अपने वैल्यूज के साथ जिंदगी जी जा सकती है। जब सफलता मिलता है तो लोग सबसे पहले अपने वैल्यूज को छोड़ते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं। लेकिन आज ऐसे सख्त के साथ हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो सक ने फिल्म दुनिया में सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपने वैल्यूज को, अपने संस्कार को, अपने रीति को, अपने रिवाज को, अपने रिचुअल्स को कभी नहीं छोड़ा, उसके साथ कभी समझौता नहीं किया। ये मैसेज सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि सफलता अपनी जगह है, जिंदगी अपनी जगह, रेस्पेक्ट अलग, अपनी जगह। सो दोस्तों, हमारे कल्चर्स, हमारे वैल्यूज हमारे जिंदगी को गाइड करते हैं, गाइडिंग फोर्स है। एंड लेट अस अंडरस्टैंड टुडे विद नन अदर देन शोधी साहब। सो दैट वाज कमिंग। सर एक छोटा सा बात बताइए, आज आप शोधी साहब हैं, मुझे पता है कि लास्ट टाइम मेरी गाड़ी खो गई थी बसंत कुच के मॉल में, और रात को 1 बजे जब हम कार को ढूंढने गए तो कार तो गई साइड में, जो भी बेसमेंट में मिलता है मेरे साथ फोटो खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना है। सच ए ग्रेट सक्सेस, दैट्स कॉल्ड द रिकॉग्निशन। लाइक आजकल तो यूट्यूब में देखा जाता है कि जिसके सब्सक्राइबर कुछ हो जाते थे, अंडरस्टैंड देयर वाज अ सेलिब्रिटी, यू नो, एंड दे एक्ट लाइक ओ आई एम सो प्राइसिंग। नाउ आई डोंट वांट टू नो, यू आर सक्सेसफुल, यू आर वेरी हम्बल, आई वांट टू नो जब आपने जर्नी शुरुआत किया वो कौन सा पेनफुल प्रोसेस था जिसने आपको ड्राइव किया कि मुझे सक्सेसफुल बनना है? वाओ, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि ये मुझे सर कह रहे हैं पर राठौर जो है मेरे दोस्त ही हैं एक्चुअली। तो मैंने इनके अंडर में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आग के ऊपर चलूं, और जो मैं कोई और हमारे ट्रेनर थे उनके थ्रू करना चाहता था, लेकिन US में थे तो वहाँ नहीं जा पा रहे थे। एंथनी रॉबिन की बात कर रहे हैं। एंथनी रॉबिन, पैसे लगते थे, पैसा चाहिए था उसके लिए, US जाना था, उस समय पैसा वैसा नहीं था मेरे पास। तो फिर हमारे को जो मेरी एक सिस्टर हैं वो भी कोच हैं, ट्रेनर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे राठौर भाई PS राठौर जो हैं वो इंडिया में कराते हैं। करेंगे, ठीक है चलो देखते हैं। क्योंकि मैं ट्रेनिंग में रहा था और मेरे जो फर्स्ट ट्रेनर थे उनके थ्रू ही मैं बहुत ही चेंज हुआ था, बदलाव आया था, तो मुझे पता था ट्रेनिंग जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप नाम लिख सकते हैं फर्स्ट ट्रेनर का, कि कौन से ट्रेनर? हमारे आशित घोष थे। वाओ गुड, और हैरानी की बात है जो मेरे दो बॉस रहे हैं दोनों का नाम ही असित रहा। अच्छा, वाओ गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक औषित कहलाते थे क्योंकि वो बंगाली थे और दूसरे गुजराती थे, वो असित कहलाते। स्पेलिंग ये की है ASIT, ये बात भी शायद पहली बार ही पता चली। तो मैं उनके प्रोग्राम में जाके बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, ड्रामेटिक्स चैंपियन बना था, चैंपियन ऑफ चैंपियन बना था, और मुझे यकीन आ गया था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। तो मुझे ये पता चला कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, कोच होने बहुत ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि आप कहीं पर भी जाओ, चाहे सचिन तेंदुलकर हमारे होते थे, विराट कोहली हैं, या बड़े बड़े CEOs हैं, कहीं पर भी आप जाओ सब लोगों के कोच होते हैं। तो राठौर जो थे हमारे ट्रेनर बने, और इनके अंडर में मैंने 2 दिन का प्रोग्राम किया, और इनकी एनर्जी देख के हो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे स्टेज पे मैं PS राठौर को नहीं एंथनी रॉबिंस को देख रहा हूँ। वही एनर्जी, वही एकदम जज्बा, वही एंथुजियाज्म देख के जो मजा आ रहा था, वो तो बात थी, लेकिन जो मेरा ड्रीम था फायर वॉक का, आग पे चलने का, तो वो PS राठौर ने मेरा पूरा करके दिया। लास्ट डे हम लोग चले उस पे, तो मैंने कहा वाओ। So, but again, here I'm going a little down there. Trust me, जब आप एक्टर नहीं थे तो आपकी जिंदगी, आपके परिवार में कैसे चलता था? कभी ऐसा हुआ कि आपको लगता होगा कि गॉड इज नॉट सो काइंड टू मी? कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं आप? थैंक गॉड कि जिंदगी में कितने ही चैलेंजेस आए, ये कभी नहीं आया कि गॉड इज नॉट काइंड टू मी। मेरा हमेशा आया गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड ही इज सो काइंड टू मी, एंड व्हाटएवर चैलेंजेस ही इज giving me, that's because of my growth.
और ऐसा ग्रोथ आया कि बदलता जा रहा था हर चीज। मैं नीचे से ऊपर बढ़ता जा रहा था, बाहर नहीं हो रहा था कुछ भी, अंदर हो रहा था, क्योंकि जब तक अंदर बदलाव नहीं आएगा बाहर नहीं आ सकता बदलाव। तो अंदर बदलाव चल रहा था, बाहर तो हालत खराब हो रही थी, पैसा भी नहीं था और धीरे धीरे कर्जे चढ़ते जा रहे थे और बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि अभी क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसे हालात में फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आप पेनफुल कह रहे थे, तो वो पेनफुल ऐसा रहा कि हमारा कोई एक यहाँ पे प्लॉट है तो उसका बहुत टाइम से केस चल रहा है, तो हमारे पे बहुत कर्जे चढ़े हुए थे, तो हम लोग रोज़ जाते थे उस प्लॉट में, कुछ जगह थी उसको बेचने के लिए, तो सब उसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो एक दिन सड़क पे खड़े होके, जो आप गॉड की बात कर रहे हैं तो गॉड कैसे हेल्प करता है, सड़क पे खड़े होके मैंने सीधे बोला, क्योंकि जो कर्जदार होते हैं उनको भी बेचारों को अपने पैसे चाहिए, वो अपनी जगह गलत नहीं होते, वो बहुत सी बातें आपको बताते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। तो हमको बार बार सुनना पड़ रहा था, तो वो सुना नहीं जा रहा था, क्योंकि आप दिल से उनका पैसा वापस करना चाहते हो पर पैसा नहीं है। क्या करोगे। पर एक बात मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों, आप यंगस्टर्स हैं या किसी भी एज में हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्त, मैंने जिंदगी में एक ही चीज बोली कि गुरु सुसाइड नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए, मरूंगा नहीं कुछ भी हो जाए, तूने अगर ये जान दी है तो तू बदल भी सकता है, वो विश्वास मैंने रखा। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, हालात वही थे कि मेरी जगह कोई और होता तो शायद, लेकिन मैंने कहा नहीं गुरु मैं नहीं करूँगा ये, और हालात इतने ख़राब हुए तो मैं सड़क पे, मुझे आज भी याद है लाजपत नगर में मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, वो सड़क के बीच में नहीं होता जिसमें वो थोड़े बाउंड्री टाइप पीरियड है, तो उसमें मैं खड़ा हुआ और खड़े हो गया, मैं मतलब अंदर से इतना पेन हो गया, इतना दर्द हो गया कि मैं सीधे बोला कि अगर तेरे को नहीं लगता कि हम उनका पैसा चुकाना चाहते हैं तो तुम मार दे मेरे को, सुसाइड तो नहीं करूँगा मैं कुछ भी हो जाए, ये तो 100%। और आप मानिए राठौर साहब सड़क क्रॉस की है, उस समय वो एसटीडी बूथ होते थे, मोबाइल फोन्स नहीं आए थे उस समय, तो वहाँ पे वो जो बंदा था जो मोबाइल वो एसटीडी बूथ वाला, वो हमको बोलता है अरे सरदार जी आपको ना एक बंदा कब से ढूंढ रहा है, हमने कहा हमको कौन बंदा ढूंढ रहा है, मैनिफेस्टेशन फिर तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया, डैडी और मैं ही साथ में होते थे, हमने वो फोन बंदे को घुमाया, उसने कहा सर आपका प्लॉट जो है हम लोग खरीदना चाहते हैं, इतना पैसा देने को तैयार है, बोलो मंजूर है, तो मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले। मैंने कहा अभी जस्ट दर्द में उस प्रभु को बोला, गॉड को बोला, गुरु को बोला, वाहेगुरु को बोला, रब को बोला, खुदा को बोला, गॉड को बोला, आप जो मर्जी उसको नाम दे दो वो एक ही है, उसको बोला और उसने उसी समय पुकार सुनी, दर्द उसके पहुंच गया और उसने उसी समय सामने से एक बंदा ला दिया जिसको हमें पता ही नहीं किधर से वो आया, सामने से बंदा कह रहा है कि जी कोई बंदा आपको ढूंढ रहा है, और उससे हमारी मुलाकात हुई। 25 दिन के अंदर हमारे पास पैसा था, मुझे याद है आज भी कि हम लोग उधर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में गए थे, हमने उनको बुलाया जिनके पैसे देने थे, और लिटरली वो लोग जब वहाँ पे आए हमने उनके पैसे उनको दिए कि जी ये आपके पैसे, और वो भी रो रहे थे तो और हम भी रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको आज भी विश्वास था कि आप पैसे नहीं दोगे, आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, हमने कहा नहीं जैसे ही पैसे आए हम गुरु के दर पे आपको ये पैसे दे रहे हैं, और हमने उनको पैसे दिए, वो भी रो रहे थे और हम भी रो रहे थे तो ऐसा हुआ। लेकिन मैं ये बात सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूँ, गॉड इज़ काइंड टू एवरी वन, दोस्तों कभी ऐसा मत सोचना गॉड इज़ नॉट काइंड, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, हमारे अंदर कमी है, गॉड के दर में कोई कमी नहीं है, हमको अपने अंदर बदलाव करना है, अगर हमने अपने अंदर बदलाव किया बाहर बदलाव आएगा ही आएगा, ये मैं आपको गुरु की कृपा से 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई आज के टाइम में गारंटी नहीं देता, मैं गुरु की कृपा से गारंटी देने को तैयार हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, छोटे भाई का ये कहना था कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन खुदा में, जीसस में, जिसकी बिलीफ में आप विश्वास करते हैं वाहेगुरु में, उसकी उसके ऊपर फेथ रखें और हमेशा इस फ्रेम को रखें कि जिस दिन नितांत आवश्यक होगा, अति आवश्यक होगा, वो किसी न किसी मैसेंजर को, एंजल को भेज देगा। एंड टच विद द पेनफुल। एंड सबसे बड़ा मैसेज इनको देना आजकल नौजवानों के लिए, वो एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जिंदगी खत्म कर दो, प्यार में फेल हो जाते हैं कहते हैं जिंदगी खत्म कर दो, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इन्होंने शब्दों को यूज किया कि अगर रब ने जिंदगी दिया है तो मैं सुसाइड नहीं करूंगा, उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आई कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ऑफ कोर्स यू आर विथ मी, मुझे दिखाने के लिए नहीं बट करने के लिए करना है। तो सब जबरदस्त स्टोरी, और कर्ज में दबने के बाद क्या दर्द होता है ये सिर्फ उसी को पता होगा जो कर्ज में डूबा हुआ हो, और फोन आते हों उसको फोन उठाने में भी डर लगता है साहब। चलिए अब दूसरा सवाल,
सिंस आई नो यू क्वाइट क्लोज, मैंने बॉम्बे में आपके घर में भी रहा हूँ, बहुत लोगों के को देखा गया है कि जब वो पैसा कमाने लगते हैं तो परिवार से अलग एक अपनी जिंदगी बनाते हैं, और एक नया फैशन शुरू हो गया है आज के दौर में कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, तो मैं खुद से बना हुआ हूँ, मुझे किसी ने नहीं किया। आई नो यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। आज भी मुझे वो 2008-09 की बात होगी जब ताज में हम मिले थे, तो उसके बाद यू वेंट टू मुंबई एंड यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, गुड मनी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको तारक कैसे मिला, हाउ, व्हाट वाज द फर्स्ट डे, हाउ यू वेंट फॉर द ऑडिशन, व्हाट हैपेंड। यहाँ पे भी मैं कहूंगा गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा, राइट, क्योंकि आप वही, उनको गॉड बोलो, खुदा बोलो, रब बोलो, भगवान जी बोलो, माता जी बोलो, जो भी बोलो, जो भी बोलो, जो भी बोलो, सुप्रीम पावर बोलो, शिवा बोलो, यस शिवा बोलो, कृष्ण भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही है, एक ही उनका। तो क्या हुआ कि ये बात मैं इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ कि देखिये, आप अगर कहते हैं नास्तिक, नास्तिक वर्ड यूज किया जाता है, मैं कहता हूँ आप नास्तिक है नास्तिक रहो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप बेसिकली एक पावर को तो मानोगे कि यूनिवर्स में एक पावर तो है जो चला रही है सब चीजों को, कोई एक पावर तो है, है ना। अब हमारी अर्थ अगर आप जुपिटर से देखोगे तो इतनी सी नजर आती है, और हम यहाँ इस धरती पे लड़ रहे हैं फालतू में, बिल्कुल क्यों लड़ रहे हैं यार, जो जो कर रहा है उसको करने दो, बस वो गलत ना करे किसी के। करेक्ट। मैं तो हिंदुस्तान में भी बोलता हूँ भाई, हर हिंदुस्तानी अगर अपना लक्ष्य कर लेना कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है और फोकस करे अपने टैलेंट पर, काम करे, तो हमारा हिंदुस्तान नंबर वन बनने में पीछे हट ही नहीं सकता, बन जाएगा, बन जाएगा। तो अब क्या हुआ तारक के लिए, मैं एक्चुअली मुंबई तो जाना ही पड़ेगा अगर आपको एक्टर में कामयाब होना है, तो ऐसे हालात हो गए थे कि कर्जे चढ़े हुए थे और बड़ी दिक्कत थी। फिर एक दिन मैंने सीधे गुरु जी को अरदास की, मैं क्या धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, मैं जा रहा हूँ मुंबई, आप देख लेना, आप संभाल लेना। तो मैं प्रेयर करके अरदास करके मुंबई चला गया। तो वहाँ जाके आप ये मानिए कि मेरे को दिल्ली से मुंबई जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, दिल्ली से मुंबई जाने में स्ट्रगल करना पड़ा, पर मुंबई पहुँच के मुझे स्ट्रगल नहीं करना, वाहेगुरु के वाहेगुरु जी की कृपा से 6 महीने के अंदर मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर रहा था। और कैसे कर रहा था यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ, देखिए हम दो तरीके से करते हैं काम, एक हम लोग ये जो 3D रियलिटी में जी रहे हैं इसके हिसाब से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर हर चीज़ चाहिए ना, अभी आज के टाइम में बहुत से नाम इसके आ गए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, और पता नहीं क्या 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 क्या, आप उसमें विश्वास करते हो करो यार, वो भी उसको एक पावर का नाम दे दो आप, ठीक है, आप उसमें विश्वास करते हो उसमें करो, रब जी में करते हो उसमें करो, जिसमें करो, पर उस पर विश्वास करके आपको अपने अंदर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने अंदर से जाके जब चीजें करते हो तो उस समय 3D रियलिटी से काम नहीं होता। आजकल क्वांटम फिजिक्स आ गई है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर वो कहते हैं कि आजकल एक ऐसी पावरफुल जगह है जहां से हर चीज क्रिएट हो रही है। जैसे हर लोग पुराने टाइम में कितने सारे हमारे सारे आसपास एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे भी आप देखो, फ्लाइट में आप जाते हो, एरोप्लेन देखो, तो कहीं ना कहीं किसी के अंदर अंदर चीज आई थी, तभी हुआ ना। तो हम इस छोटी सी बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, इस छोटी सी बात को अगर आप नजरअंदाज नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ पलट सकती है। आज आप यहाँ पे भी है, वहां से पूरा चेंज होके बेटर कर सकते हैं उसको। मैं ऐसे हालात में जीऊँ जहां मुझे लगता था कि यार कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भरोसा नहीं तोड़ा, प्रभु की कृपा से सब कुछ हो सकता है, तो हुआ। यहाँ पे भी वही हुआ कि जब वहां गया जहाँ पे सब लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, भागते हैं एक दूसरे के पीछे, भाई कुछ करा दे कुछ करा दे, कुछ नहीं होगा, करने वाला वो है, और उसकी पावर सिर्फ इस धरती पे नहीं पूरी ब्रह्मांड में है, उसको आप यूनिवर्स बोलते हैं, आप उसको इंफिनिट फील्ड बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, व्हाटएवर। मैं वही कह रहा हूँ कि वर्ड्स हैं ये, आपको जो बेस्ट लगता है वो वर्ड पकड़ लीजिए, पर अंदर तो जाइए, अपने अंदर जाके देखिए, ये सांस चल रही है आपकी, आप इस पे ध्यान भी नहीं देते, फिर भी ये चल रही है, तभी आप जिंदा हैं। अभी ये अगर गए तो यार एक छोटी सी जो चीज है जो एक्चुअली बहुत बड़ी है, थोड़ा सा तो इस पे ध्यान दे दो, इस पे ध्यान दोगे तो आप उससे जुड़ रहे हो जो लाइफ है, लाइफ, इस लाइफ से आप जुड़े हुए, इसी वजह से जिंदा हो, तो इसके साथ जुड़ के आप वो जो भी पावर को मानते हो उसको प्रेयर कर दो यार। आप जब छोटे होते थे अपने फादर मदर को बोलते थे ना, मुझे ये ले दो, मुझे ये ले दो, ज्यादातर वो आपकी चीजें डिमांड्स पूरी कर देते थे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता था वो पूरी नहीं करते थे। करेक्ट करेक्ट। जब आप अपने रब जी को बोलोगे तो वो आपके लिए है तो वो आपकी डिमांड पूरी करेगा, नहीं है अच्छे आपके लिए तो उससे बेटर कोई चीज आपको ला के देगा। आप अपने अंदर उनसे जुड़िए। तो वैसे ही मैं उनके साथ रोज जुड़ता था, उनसे प्रेयर करता था, मुंबई जाके मुझे
स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 6 महीने के अंदर मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर रहा था। कैसे मिला ऑडिशन वगैरह पे? ऑडिशन ऑफकोर्स ऑडिशन, जैसे आप अगर किसी जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, इसमें मेरा ऐसे ही हुआ। ये भी कहानी बड़ी खासम खास है, बताइए ना, दैट्स एन अनटोल्ड स्टोरी इज दिस। कि हम लोग एक एड शूट कर रहे थे, उसका नाम था वार परिवार। तो उसमें उर्मिला मातोंडकर जो है उसमें वो बेसिकली वो एंकर बनी थी। और उसमें ऐसा था कि दो परिवार होते हैं, वो सिंगर्स हैं और वो लोग आपस में मतलब कंपटीशन करते हैं, तो इसीलिए दोनों के बीच में वॉर चल रही है, परिवारों की चल रही है, इसलिए नाम था वॉर परिवार। तो जब एड शूट हुआ था तो मैं पंजाबी जो होते थे सारे पंजाबी से, तो उनका हेड बना था और हमारे सामने मराठी फैमिली थी, वो वैसा था। उसमें क्या हुआ, उनको एक पंजाबी लड़की नहीं मिल रही थी उस समय, तो उसमें मेरी वाइफ का दिखाना था। तो उन्होंने क्या किया, जो मराठी उनके लिए आई थी ना, तो उन्होंने कहा ये बहुत खूबसूरत है, तो वो मराठी लेडी को मेरी वाइफ बना दिया पंजाबी। तो मेरा क्या, मैं सबसे घुल मिल जाता हूँ, दिल साफ है सारा, ऊपर वाले की मेहर है। तो उनसे घुल मिल गया, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई सारा कुछ। फिर हेड हुआ, शायद शूट हुआ, खत्म हो गया, वो अपने घर में अपने घर। थोड़े दिन के बाद उनका फोन आया मुझे कि मेरे एक मित्र है, उनको एक सरदार जी चाहिए, तो तू जाके वहाँ पे ऑडिशन दे गया। मैं कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो मैंने मेरे जो फ्रेंड्स हैं सरदार जी, उनको फोन किया, 4-5 थे हम दोस्त, कि चलो वहाँ पे ऑडिशन है, चलते हैं। तो वो था कांदीवली में ऑडिशन। तो जैसे मैंने उनको बताया कांदीवली में ऑडिशन है, तो उन्होंने कहा कांदीवली मतलब तो जहाँ ऑडिशन होते थे वहाँ से थोड़ी दूर है जगह। उन्होंने कहा अरे भाई वो कोई फेक जगह होगी, वो बंदा बजाए हमको पैसे वैसे दे या हमको रोल दे, वो हमसे देखना पैसे मांगेगा। तो वो लोग खुद तो गए नहीं, मुझे भी नेगेटिव कर दिया, मैं भी नहीं गया। तो आप इससे समझना, ये जो एक्सपीरियंस है इससे सीख लीजिए आप कि कोई भी कुछ कह दे तो उसको सच मत मान लो। बिल्कुल आज के टाइम में तो इतना हो रहा है कि कोई कुछ फेक न्यूज चला देता है, फेक खबर फैला देता है, सब उसको सच मान लेते हैं। अरे भाई भगवान ने बुद्धि दिया, थोड़ा इसका इस्तेमाल कर लो ना, इसका क्यों कह देते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे फायदा हमारा ही होना है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, हां दैट्स राइट। हां तो प्रभु ने कृपा की, क्योंकि प्रयास करते थे, अरदास करते थे, पाठ करते थे, तो उन्होंने इधर डाला कि ठीक है भाई, अगर वो पैसे मांगेगा तो मांगने दे ना, नहीं देना तो अपने हाथ में ना। मुझे तो मजा आता है कैमरे के आगे ऑडिशन देने का, आई लव इट, आई लव इट। कैमरे के आगे जाके उधर पूरा ऑडिशन देता हूँ, जब वो पैसे मांगेगा मैं उसको मना कर दूंगा, मना कर आ जाऊंगा, मुझे जो पसंद है वो तो करके आ जाऊँ। करेक्ट। तो फिर मेरे को ऐसा आया और मैंने उस बंदे को फोन किया कि सर मैं आ रहा हूँ ऑडिशन देने के लिए, तुम आ जाओ। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने मेरे को मिलके, वो तब एक्चुअली जहाँ पे हमारा पुराना स्टूडियो था वहाँ पे था, वो जगह फोर्थ फ्लोर पे थी, और जो बाद में सोडी हाउस बना था वहाँ पे ही मैं मिला उस बंदे। तो वो बंदे ने मेरे को इतना बड़ा एक स्क्रिप्ट निकाल के दिखाया, मैंने ऐसा करके उसको पढ़ा, मैंने कहा सर तैयार है? तो मुझे देख के कह रहा तैयार है, मैंने कहा तैयार है, कहता सर आपने तो अभी मतलब पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा मैं पढ़ लिया। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ एक और चीज कि बैक ऑफ द माइंड है कि ये तो पैसे मांग रहा है। आई सी, मैं तो आनंद लेने गया हूँ ऑडिशन का, बैक ऑफ द माइंड है तो नर्वसनेस है ही नहीं। तो अपना मैंने कहा अब तो अपने हिसाब से करूंगा जो करूंगा, पैसे तो इसने मांग नहीं है। मैंने कहा चलो फटाफट फर्स्ट क्लास मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन जबरदस्त हुआ, नर्वसनेस तो थी नहीं, टक टक एकदम झक्कास देखे ऑडिशन में वापस आ गया। मैंने कहा इसने तो पैसे मांगे नहीं यार। मैंने कहा वापस आ गया, 2 दिन बाद मुझे फोन आया सर आपका एक और ऑडिशन देना है। मैंने कहा अभी पैसे मांगेगा। That's great. और बोल दिया ऑडिशन देने के लिए। राइट राइट। दोबारा ऑडिशन तो उस दिन तो अरे जो वो था सोडी हाउस जो खाली था उस समय वहां कुछ नहीं बना हुआ, तो उस दिन तो वहां पे इतने सारे लोग, मैंने कहा अरे बाप रे इतने सारे लोग, तो मैंने कहा यार सब मिलके मांगने वाले। That's great, ये भाई साहब मेरे से सवाल पे सवाल किए जाए, मैं भी जवाब पे जवाब दियो जो अच्छा बिजनेस के बारे में पूछा है। मैंने झूठ बोला लेकिन मैंने बोल दिया हाँ बहुत बड़ा बिजनेस है फादर साहब का, हम बहुत कमाते हैं ऐसा है वैसा ही। सब जान रहा था कि पैसे मांगे। लेकिन एक चीज वहाँ पे अच्छी हुई कि वहाँ पे जो दया शंकर पांडे जी हैं, जो चालू जी का इंस्पेक्टर चालू पांडे का रोल करते हैं, वो वहाँ पे मुझे बैठे हुए दिख गए। मैं उनको पहचान गया, मैं अरे दया शंकर पांडे जी आप, क्योंकि उसी समय गंगा जल आई थी, तो उसमें उनका जो शुरू में अजय देवगन के साथ होता है वो मिलते हैं, तो वो मेरे दिमाग में पूरे बैठे होते हैं। मैंने उनको ऑलमोस्ट गंगा जल की पूरी स्टोरी सुना दी, खासकर उनके सीन्स तो सारे सुना दिए। वो बहुत खुश हो गए, कह रहे हैं तुमको तो सारा याद है हमारा, याद है। कह रहे कि क्या किया एक्टिंग में, मैंने कहा सर बैरी जॉनसन सर के यहाँ से एक्टिंग कोर्स किया। अरे बैरी जॉनसन के, यस।
तो उनसे थोड़ी बातचीत हुई और फिर उन्होंने कहा चलो ऑडिशन करते हैं। मैं कहा आज मैं कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अरे ये तो नहीं गलत करेंगे ऐसा। तो हम जब मेहता साहब का घर था ना वो भी खाली था तो वहाँ जाके दूसरा ऑडिशन हुआ। तो उस दिन पहली बार वो जो मेरी वाइफ का रोल करती है रोशन तो जेनिफर तो वो वहाँ बैठी हुई थी और मेरे को क्या है कि अगर आप ऑडिशन लेते हो और मुझे बस सीन समझाते हो ना कि ऐसा ऐसा तो क्रिएट कर देता हूँ बहुत कनेक्ट कर देता हूँ और बहुत मजा आता है इम्प्रॉम्प्टू करने में। हाँ, हाँ, देख लिया मैंने। हाँ क्रेटा राइट। तो हमने वहाँ पे वो कि उन्होंने मुझे दिया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है आप ऐसा ऐसा करके करो। मैं ठीक है मैं तो रेडी था मैं तो शुरू हो गया लेकिन वो जेनिफर उस समय थोड़ा नर्वस थी इतने सारे लोग हैं और वो परफॉर्म करना है सीधे वो चल रहा था। तो फिर क्या होता है ना एनर्जी तो करती है ना जैसे अभी जैसे आप इतनी एनर्जी के साथ जब स्टेज पर बोलते हो तो वो सारी ऑडियंस के अंदर जाते। तो मैं एकदम एनर्जी के साथ जब बोलना शुरू हुआ तो वो जेनिफर मैम को भी एकदम एनर्जी आ गई और उनका भी मतलब अच्छा होना शुरू हो गया। तो हम लोग एक्शन रिएक्शन होता है तो एक्शन रिएक्शन पूरा सारा चल रहा। और फाइनली जो डायरेक्टर साहब थे जो मुझे बाद में पता चला डायरेक्टर साहब है धर्मेश भाई तो उन्होंने कट बोला। हम लोग रुक ही नहीं रहे थे तू भैया जो लेना ले लियो तो लेकिन ये क्या हुआ कि इससे ये हो गया कि वो बाद में एक्चुअली हमको अंदर बुलाया वो जो बहुत सारे सवाल कर रहे थे जो बाद में पता चला हमारे प्रोड्यूसर साहब थे मोदी साहब उन्होंने असित मोदी जी तो उन्होंने हमको अंदर बुलाया। पहले रोशन मैम को बुलाया उनसे बात की फिर मुझे बुलाया तो फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे बोला कि इतने पैसे दूंगा पर डे के हिसाब से इतना टाइम काम रहेगा। तो मैंने कहा हैं ये तो पैसे दे रहे हैं तो विश्वास आ चुका था वहाँ पे कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया मैंने भी कहा चलो वही है तो थोड़ा हमने थोड़े पैसे बढ़ा के बोला उनको तो मान भी गया उसके लिए। ये वाह क्या बात है। गलती होगी थोड़ी और बोल लेते हुआ और वहाँ पे कि दो ऑडिशन हुए और दो ऑडिशन में ऐसा करके हम मैं सिलेक्ट हो गया वो जेनिफर मैम भी सिलेक्ट हो गई और हम लोग तो सोच रहे थे कि चलो 3 साल चल जाए बहुत बढ़िया है। पर रब जी की इतनी कृपा हुई ऑडियंस का इतना प्यार मिला कि कब 13 साल हो गए पता ही नहीं। तारक इज लाइक बेस्ट सीरियल आई कैन डू। बच्चा तारक को जानता है और बच्चे का बच्चा बाप बन गया और उसका भी बच्चा आ गया वहाँ पर भी तारक पॉपुलर है यार। दिस इज समथिंग ग्रेट। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे जो सोड़े भाई का एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये था कि डोंट स्टॉप योरसेल्फ एंड डोंट लिसन टू द निगेटिव थिंग्स एंड बिलीव इन अ निगेटिव थिंग कि कुछ नहीं होगा। एक्शन इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। ही टुक एक्शन ही कॉल्ड अप द वन फोन कॉल्ड अप मैं ऑडिशन के लिए आ रहा हूँ एंड कीपिंग असाइड ऑल नेगेटिविटी क्योंकि बाकी के डिसीजन मेरा है। हम लोगों के साथ क्या होता है ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता और हम बैठे रहते हैं। कई लोग सिस्टम को गाली देते हैं सरकार को गाली देते हैं लोगों को गाली देते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते। ही वेंट टू द प्लेस बिकॉज ही टुक एक्शन। ही वेंट टू द प्लेस टू द हाइएस्ट लेवल ऑफ द पॉपुलरिटी ओनली बिकॉज ही बिलीव्ड that I can do and most important thing he understood कि मेरे पास gain करने के लिए सब कुछ है lose करने के लिए कुछ भी नहीं है and that's the reason he became the biggest gainer. That's what the point and that's a success mantra you have to learn and you have to inculcate in your emotion that yes I can do what he did it and he is the person who achieved that. That's the point. Now I'm coming on the next question. जब आप सक्सेसफुल हो गए तो उस समय में कई लोग बोलते होंगे कि आपके पास पैसा है चीजें हैं बहुत सारी लड़कियां भी मरती होंगी तो उस समय का कोई इंसिडेंट बताइए जो आपको लगा होगा कि यार सक्सेस का मतलब मस्ती सक्सेस का मतलब झूमना। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी संस्कृति आपके पेरेंट्स मम्मी डैडी उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर क्योंकि मैं जब छोटा था तो डैडी मम्मी मुझे गुरुद्वारा साहब लेके जाते थे वहाँ पे बिठाते थे कि खाली ये नहीं कि मत्था टेको और कड़ा प्रसाद लेके बाहर जाओ नहीं बैठ के कीर्तन सुनो कथा सुनो सेवा करो लंगर भी छको तो बर्तन मांजो वहाँ पे। तो ये सब चीज़ जो उन्होंने कराई तो अंदर डाल दिया इनकलकेट होगी वो सारी चीज़ें क्योंकि डैडी तो जब भी ट्रैवल में हम लोग जाते थे किधर तो वो बोलते थे मूल मंत्र का पाठ कर। तो आपने सुना होगा वो एक ओंकार सत नाम वो पूरा जो है मूल मंत्र वो
करवाते रहते थे मेरे प्रोग्राम में चलता है पहला वही चलता है मेरा प्रोग्राम स्टार्ट ही उसी से होता है तो वो पूरा करवाते थे तो एक स्पिरिचुअल वैल्यूज अंदर आ गए थे मैंने ये नहीं कहता कि मेरे में कोई कमी नहीं है ऑफकोर्स मैं इंसान हूँ मेरे अंदर बहुत कमी है और मैं यही करता हूँ कि अब एटलीस्ट अब तो मैंने ये कर दिया कि दूसरों की कमियां नहीं देखनी अगर मुझे वो तो आप पहले भी नहीं देखते थे नहीं देखता था लेकिन अभी क्या है कि अगर सपोज अभी मुझे लगेगा कि राठौर भाई को नहीं बोलता हूँ कि ये सामने हमारे कैमरामैन भाई साहब खड़े हैं मुझे इनकी गलती लगेगी तो मैं इनसे एक बार जाके बोलूंगा और मुझे इनके एटीट्यूड से पता चलेगा कि ये उस चीज को करेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं अगर करना चाहते हैं तो मैं आगे भी इनको सपोर्ट करूंगा पर अगर ये खुद ही इनका डिसीजन नहीं है कि मुझे चेंज नहीं होना तो मैं इनको नहीं करूंगा मैं फोकस विल बी ऑन माय सेल्फ मेरे अंदर इतनी कमियां हैं इतने मतलब और ये एक्चुअली बहुत से लोग इसको शायद बिलीव नहीं करते होंगे लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे अंदर इस जन्म की नहीं जन्मों जन्मों की कमियां अंदर घुसी हुई हम लोग तो पास्ट लाइफ थेरेपी कराते हैं वी बिलीव दैट संस्कृति एक जन्म से नहीं होता जी तो बस इसीलिए पहली चीज है कि डैडी से डरते थे तो हम तीन भाई हैं तो तीनों भाई में कोई भी दारू नहीं पीता है और सब लोगों को जब मैं ये बताता हूँ कहता हूँ छोटी भाई झूठ बोल रहे हो वहां तो इतनी पार्टी शार्टी करते हो अरे वो पार्टी शार्टी पार्टी शार्टी कभी कोका कोला की होती है कभी वो चाय गर्म करके दी हुई होती है वो ये वाली नहीं होती है मैंने कभी दारू नहीं पी बहुत पहले नॉनवेज खाता था बहुत 20 साल पुरानी बात होगी 20 साल पहले मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया अंडा भी नहीं खाता हूँ हाँ कभी गलती से किसी का बर्थडे हो और वो केक में गलती से हो जाए तो ओके मैं बहुत वो नहीं करता हूँ लेकिन अदरवाइज मैं केक भी नहीं खाता हूँ और केक कह रहा हूँ सॉरी अंडा नहीं खाता अंडे वाला केक नहीं खाता अंडे वाला केक नहीं खाता दैट्स राइट अंडरस्टैंड दैट या हां तो ऐसा है कि कमियां हैं कुछ वो दूर भी की हैं लेकिन मैंने कुछ ऐसे फालतू काम नहीं किए हैं कि मैं ड्रग्स ले लिया और ये ड्रग्स कितना पॉपुलर है सचमुच में है फिल्म वर्ल्ड में इतना ठीक है अभी क्या है ना कि हमारी ग्लैमरस इंडस्ट्री है तो रहेगा ये चीज उभर के आती है तो सच मानिए राठौर भाई हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं अब जैसे मैं पीछे एक प्रोड्यूसर साहब है उनसे मिला था तो उनसे मेरी यही बात हुई कह रहे अरे यार अपनी इंडस्ट्री बदनाम हुई जा रही है फालतू मैंने कहा सर आप लोग मिलके ना एक एसोसिएशन आपकी है आप एक कास्टिंग डायरेक्टर्स की एसोसिएशन बनाएंगे क्योंकि कोई भी एक्टर है वो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आपके पास आ रहा है करेक्ट करेक्ट तो अगर आप उनको रजिस्टर्ड कर देंगे ऐसा है कि आज के टाइम में ना कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर बन रहा है आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है लेकिन कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स उस बात का फायदा उठाते क्योंकि हर एक को कैमरे के आगे आने का एक वो होता है चस्का ललक होती है ललक होती है एक प्रोफेशनल होते हैं जिनको अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखाना होता है सबका अपना अपना है आई रिस्पेक्ट एवरीवन लेकिन मेन मुद्दा है कि जब कास्टिंग डायरेक्टर के पास आ रहा है तो पहली बात उसका एक फिक्स्ड होना चाहिए कि इतना परसेंटेज मिलेगा कुछ भी बोलते हैं क्योंकि आते हैं वो कहते हैं जो कुछ भी दे तो नहीं मिलेगा ये तो डेट इज नॉट अ वे आपको एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए दूसरा बहुत से लोग आलतू फालतू बात भी करते हैं बहुत कुछ कहते हैं आप ये कीजिए वो कीजिए विच इज नॉट करेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए तो अगर हमारी एक कास्टिंग डायरेक्टर की एसोसिएशन बनेगी रजिस्टर्ड होगा तो उससे क्या हो जाएगा उनके अंदर एक डर आ जाएगा ये नहीं कि कोई भी बन जाएगा किसी को भी बुला रहा है कुछ भी बोल रहा है तो वो सब बंद हो जाएगा अगर वो बंद हो जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री की ये जो इमेज खराब हुई है ये बेटर हो जाएगी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री लेकिन सॉरी भाई बताइए जो मीडिया का अपना है जैसे प्रेस क्लब है बाकी मीडिया के अपने भी एसोसिएशन है समथिंग लेकिन उस पर भी आप देखिए जो डिफरेंट चैनल डिफरेंट चीजें दिखाता है आप एक चैनल देखिए तो उसी चीज को बहुत पॉजिटिव करता है दूसरा चैनल उसी को निगेटिव करता है तीसरा जब भी उनके एसोसिएशन है मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे चाहे कास्टिंग का हो चाहे कुछ भी हो मुझे अगेन जो आप पहले बोलते थे कि जो उनका जो घर का संस्कार है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है जी घर का संस्कार ऑफकोर्स मायने रखता है जैसे मैंने बोला कि मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स के जो संस्कार मुझे मिले तो मैं स्पिरिचुअली काफी जुड़ा और दूसरी चीज ये है कि देखो एसोसिएशन क्या होता है जैसे हमारे एक्टर्स का एसोसिएशन है सिंटा ठीक है अभी जो लोग आए थे पीछे मतलब लास्ट आई थिंक 5-8 सालों में बहुत अच्छे लोग आए उन्होंने पूरा बदलाव लेके आए एसोसिएशन के अंदर एक्टर्स को बहुत हेल्प किया उन्होंने और इस बार तो अभी कोरोना के दौरान बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों को भी सपोर्ट किया हेल्प किया तो एसोसिएशन का कहीं ना कहीं फायदा होता है वो तो है प्रोड्यूसर्स का एसोसिएशन है राइटर्स का है मेकअप दादा का है स्टूडियोज वाले मतलब सबका एसोसिएशन सबका है तो कास्टिंग डायरेक्टर का क्यों नहीं है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके थ्रू ही वो लोग आगे जाते करते हैं क्योंकि देखिए अभी एक लड़की है वो बेचारी एक्टर बनना चाहती है और उसको एक कास्टिंग डायरेक्टर बोले मतलब मैं वो बात बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि तू ऐसा कर वैसा कर क्यों भाई तेरी बहन भी तो होगी ना तो उसको बोलेगा कि तू ऐसा मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता
इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भैया आप बोल सकते हो, चूंकि बहुत लोग जो ये जो आपका एपिसोड है बहुत लोग वो देखेंगे जो एक्टिंग के लिए वो लोग सोच रहे होंगे, जो जो दे मस्ट बी लाइक मस्ट बी ट्राइंग देयर लक इन द मूवीज लाइक। देखिए अगर आप एक्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो मैं सीधे से आपको बोलूंगा दो चीजें हैं। पहले तो अपने अंदर आपको बलशाली कीजिए, ठीक है, बलशाली में कॉन्फिडेंस को क्रिएट कीजिए, आपकी वैल्यूज क्रिएट कीजिए, आपके टैलेंट को बढ़ाइए। अब आप अच्छे अदाकार हैं तो हर अच्छे डायरेक्टर को एक अच्छा एक्टर चाहिए। हम लोग सोचते हैं अरे यार वो ऐसा आ गया, ऐसे बढ़ गया, वैसा कुछ ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा होता तो जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके सारे बच्चे आगे होते। करेक्ट, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन जी वो सुपरस्टार होते हैं ना, सुपरस्टार होते हैं। एब्सोल्युटली, और अभिषेक बच्चन जी का मैं फैन रहा हूँ, मैं भी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, फिर गुरु तो मैं हमेशा देखता हूँ, और वो सरकार में मेरे को उनका बहुत अच्छा काम लगा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। पर 2007-08 के बाद वो हो जाती हैं, कुछ फिल्में ऐसी आ जाती हैं, लेकिन उनमें टैलेंट है, वो फिर से आगे उभर के आ जाएंगे। और ये चीजें तो चलती रहती है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। मैं नए टैलेंट को बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने अंदर आप जल्दी पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए पेशेंस। आपकी वैल्यूज क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप एक घर से जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि आप जल्दबाजी मचाएंगे ना तो बहुत लोग आपका फायदा उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। और हर उधर हर एक को देखिए, आज कोरोना का टाइम है, लोगों को तकलीफें भी हैं, तकलीफें हैं, तो उनके घर पे भी बहुत सी चीजें हैं। मैं नहीं कहता कि दिस इज राइट, पर सबकी अपनी अपनी चीजें चल रही हैं। तो अगर आप पक्के रहोगे, आप अपने टैलेंट पे काम करोगे, तो आपको अच्छे ढंग से काम मिल सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो। और मैंने एक चीज पहले बोली, सबसे पहले अगर रब जी में विश्वास करते हो तो उन पे विश्वास करके, उनसे जुड़ के, प्रेयर्स करके, अरदास करके नहीं करते, यूनिवर्सल पावर में करते हो कि भैया मैं सीक्रेट में विश्वास करता हूँ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करता हूँ, तो वो ही कीजिए मैनिफेस्टेशन। आंख बंद करके अपने अंदर जुड़िए, विश्वास तो करें, विश्वास कीजिए, तो ये चीजें हो जाएंगी। और दूसरी चीज है, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, राठौड़ भाई के अब इसमें है तो उसके द्वारा कि मैं खुद अभी कुछ लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो आप बोलो तो मैं बोलूं उसके बारे में। ये जरूर बताइए जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं वो मुझे इतना पता है दोस्तों, मैं चूंकि आई नो हिम राइजिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड आई नो हिम सिंस डिकेड्स एंड आई नो हिम व्हाट ही इज। जब इनके बारे में कोई भी मेरे से पूछता है पीछे, आपके पीछे, मैं एक ही बात कहता हूँ कि ही इज मोर देन अ ब्रदर एंड एक ऐसा इंसान जो जानबूझ के कोई भी एक शब्द झूठ नहीं बोल सकता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो गलत नहीं बोल सकता, बाकी वो भगवान नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन किसी का फायदा उठा करके वो अपना फायदा उठाए ऐसे सोच में भी नहीं आ सकता। सो वॉट एवर ही डज एंड वॉट एवर ही विल डू विद अ प्योर हार्ट, एब्सोल्युटली विद अ प्योर हार्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अगर फायदा चाहिए, चीजें चाहिए, तो इनके हर एक्शन में अगले के लिए फायदा है। वॉट इज योर प्लान? ये प्लान अभी बहुत सारे प्लान हैं, तो अभी दो प्लान बता देता हूँ। हाँ, पहला प्लान ये है कि आपके जैसे एक ट्रेनिंग के हिसाब से मैं कुछ लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें I'm always there with you, without any consideration. I'm with you, without any consideration. चलिए शुरुआत में फायरवॉक मेरे तरफ से, ओके आगे ऑन कैमरा एम से नहीं मिलके भी करेंगे आगे, क्योंकि मैंने इनको बोला है कि 3 महीने के बाद वापस आऊंगा आपके पास, ऐसा बोल चुका हूँ। मिलके तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, फायरवॉक कराना चाहते हैं, चीजें कराना चाहते हैं, आई एम देयर विथ यू विदाउट एनी मनी कंसिडरेशन और एक्सपेक्टेशन। दैट्स पॉइंट, क्या बात है, पॉइंट राइट, ये दोस्ती है हमारी तो ऐसी दोस्ती रखो भाई आपके बीच में भी। हाँ, आप बता रहे थे। तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप के ही लॉन्च कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना हूँ कि मेरे पास आप तभी आना अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप बदलाव नहीं जानना लाना चाहते हैं, बातें करने आना चाहते हैं, एक्शन नहीं लेंगे, मैं सामने से बोल रहा हूँ नहीं आना। लेकिन लोग आपके पास जाएंगे कैसे, वो तो बता दीजिए। हाँ, मैं अभी क्या है कि कोई नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई चीज है। हाँ, सही बात है, तो भी जाएंगे ना। वो आपके सामने आ जाएगी, मैं राठौर भाई को भेज दूंगा, भाई अभी लगा दो। मेरा कॉन्टेंट पे काम चल रहा है, तो कॉन्टेंट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। दोस्तों, ये जो सोडी भाई जो कह रहे थे ना, आप बहुत देर से इनके दिल की बात को समझ रहे हैं, और जो ये लेके आए हैं, ये क्या कह रहे हैं। आज आपने नीरज चोपड़ा को देखा,
ये है नीरज चोपड़ा, पानीपत का नीरज चोपड़ा। यू नो ये क्यों, ये ही बात है, इन्होंने 100% अपना देखा, ये डिफोकस्ड नहीं हुए और इनको विश्वास था कि मैं करूँगा। आज देश का प्रधानमंत्री भी उनके साथ फोटो खिंचवाता है और पेपर में ऊपर उनका फोटो होता है एंड नीचे प्रधानमंत्री का फोटो होता है। यू नो व्हाई, यही सोनी भाई कर रहे हैं, टैलेंट आप में है, तरासने वाला कोई जौहरी चाहिए, तरासने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। आज भी जरूरत है एक गुरु की और उस गुरु के फॉर्म में सोनी भाई ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सचमुच में सीरियस हैं, यू कॉन्टैक्ट हिम एंड ही इज गोइंग टू मेक यू द विनर ऑफ द ओल्ड गेम। सो दैट वॉट हिज बिलीव सिस्टम इज, दैट अगर आप खुद में विश्वास करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन खुद में विश्वास करने के लिए भी आपको एक टीचर चाहिए, आपको गुरु चाहिए एंड आई कैन बेट दैट नोबडी विल प्ले दैट रोल बेटर देन हिम। आगे बताइए सर क्या करने वाले हैं आगे। यस दैट्स अ पॉइंट। इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच राठौर भाई, बट स्टिल आई विल बी लाइक योर फ्रेंड। आप मेरे से कोई भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू, क्योंकि मैं कंप्लेंट नहीं करने वाला हूँ। मेरा यही है कि आपका अगर ये तैयार है कि मुझे बदलाव चाहिए तो सब कुछ हो जाएगा, पर अगर ये तैयार नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने इसीलिए बोला कि अगर ये तैयार हो गया कि बहुत हो गया यार, अब फालतू की जिंदगी जी ली, अब बढ़िया जिंदगी जीनी है, मोस्ट वेलकम, मिलके आगे बढ़ेंगे, जल्दी अचीव करेंगे और वही अचीव करेंगे जो आप करना चाहते हैं, नहीं तो उससे बेस्ट अचीव करेंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी इधर आया हूँ तो यहाँ आने का एक मकसद था राठौर भाई से मिलूँ, क्योंकि मैं दिल्ली काफ़ी टाइम के बाद आया, राठौर भाई दिल्ली में होते हैं और दिल्ली में इनका मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था और औषित भाई का भी इधर ही किया था, जो मेरे दीदी और वो हैं जीजा जी सर से भी, उनके थ्रू ही मैं राठौर भाई को मिला। और अभी राठौर भाई के इधर आए हैं तो इधर इसलिए आए थे एक साथ में कि इनका एक चल रहा है एनी टाइम क्लास, और एनी टाइम क्लास की एक खास बात है कि ये इनके बोलते हैं एनी टाइम क्लास का है वादा मार्क्स आए ज्यादा, पढ़ने में आए मजा याद रहे सारा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो राठौर भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम में एकदम जबरदस्त हैं, एनर्जी ऐसी बुलंद है, मतलब हिला के रख देते हैं सबको, बदलाव लेके आ जाते हैं और दो तीन दिन कैसे ऐसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। अब इन्होंने शुरू किया एनी टाइम क्लास, ये लिखा भी हुआ है ATC एनी टाइम क्लास, और ये कर रहे हैं। अभी इनको एजुकेशन में भी बहुत शौक है और ये बहुत सी चीजें यही बताएंगे क्योंकि इन्होंने ये शुरू किया है। मुझे ये यकीन है कि ये बंदा ऐसा बंदा है कि वो पूरा जान लगा देता है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने इनको स्टेज पे देखा है और मैं इनके अंडर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि ये जान लगा देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये इस चीज़ में भी पूरा जान लगा देंगे इनके इस चीज़ में। एक और भी चीज़ है कि इन्होंने मुझे ऐसा बताया है कि जो इनका कॉन्टेंट है वो एकदम मूवी फॉर्मेट में है। अभी मूवी का नाम आते ही मुझे तो कुछ हो जाता है। आई लव मूवीज, आई लव एक्टिंग और आई लव रोशन सिंह सोडी एंड आई लव तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो जल्दी बताऊंगा, अभी राठौर भाई की बात कर रहा हूँ। तो अभी इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि मतलब लोगों का क्या है कि वो स्कूल के बाद ट्यूशन को ढूंढने के लिए जाते हैं, भाई ट्यूशन ढूंढनी है कि ट्यूशन में पढ़ाई करनी है, और ये कहते हैं अभी ज़रूरत नहीं है यार, क्या करनी है ज़रूरत वरूरत ट्यूशन की, और जब है इनकी सिर्फ एनी टाइम क्लासेस, हाँ कभी भी कहीं भी, ऐसा इनका पूरा वो मोटो है, इसका नाम है, और ये पूरे इस तरीके से कर भी रहे हैं। और मुझे बताया कितने स्टूडेंट्स हो गया, 25,000 डाउनलोड है, 25,000 डाउनलोड हो चुके हैं। ऐसे भी बच्चे जो कि CA इंटर ग्रुप 2 उनका ग्रुप 1, 2, 1, 2014 में निकला हुआ है और जस्ट लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ एनी टाइम क्लासेस ग्रुप 2 निकाला। तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आजकल बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, कोरोना का भी टाइम है और घर पे रह के पढ़ाई चल रही है, तो आप उनको ये पढ़ाई के साथ एक वो मन की पढ़ाई भी कराइए कि रिलैक्स कैसे होना है, मेमोरी कैसे आगे ज़्यादा बढ़ सकती है, कॉन्फिडेंटली कैसे जाके आप वो एग्ज़ाम दे दो, और जो सब लोग बोलते हैं LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सीक्रेट या रब की मेहर या जो भी आप बोलते हो, तो वो चीज़ें आपको भी पता है। नहीं, हम लोग करते हैं, हम लोग का एक प्रोग्राम है इनर पावर। इनर पावर का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में इंटरनल ताकत दिया जाए
कॉन्फिडेंस दिया जाए, एबिलिटी टू राइट एग्जाम दिया जाए, खुद को संभालने का तरीका सिखाया जाए और उन्हें विश्वास पैदा किया जाए कि जिंदगी में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। सोरी भाई, आज मैं बता देता हूँ, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे सीए का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऑलमोस्ट 70% कॉन्फिडेंस है जो उनको एग्जाम में पास करवाता है। इसका फीस कितना है? इसका फी हमने बहुत ही कम रखा है। इनफैक्ट शुरुआत में तो 2 सेशन फ्री है, बाद में हमने जस्ट 5,000 रुपीज हमने फी रखा है। ओके, ठीक है। अभी ऐसा है कि राठौर भाई से मैं एक वादा ले लेता हूँ आप सबके सामने कि अगर पहले 100 बच्चे जो भी आएंगे, आप उनको पूरा फ्री दीजिए। हाँ, पूरा फ्री दे देंगे 100 बच्चे। चलिए, पहले 100 बच्चे। हाँ, पहले 100 बच्चे, उसके बाद आगे के बच्चों को ठीक है, वही 2 सेशन फ्री, फिर आगे। इतना ही नहीं, आप अनाउंस कर दीजिए हम लोग हर साल 100 बच्चों को एडॉप्ट करेंगे जो गरीब है, जिनके घर में पैसा देने के लिए नहीं है फी। उनके स्कूल का भी फी हम देंगे, सीए इंस्टीट्यूट का भी फी हम देंगे, क्लास हम खुद करवाएंगे, एंड जब वो सीए इंटर पास कर जाएगा तो बिग फोर में आर्टिकल से भी हम लगाएंगे। वाओ, दैट्स लाइफ चेंजिंग थिंग, लाइफ चेंजिंग थिंग्स वी हैव, दैट्स व्हाट द चेंजिंग कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए मैंने बोला कि भाई इनसे मिलके मजा आ जाता है, ये दिल से करते हैं चीज, एनी टाइम क्लास है इनकी, तो आप ज्वाइन कीजिए। और मैं फिर भी आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर ये बढ़िया करते हैं तो मैंने बोल देना ओए राठौर प्रा, तो दिल खुश कर देता। थैंक यू। पर मुझे पता ही है बढ़िया ही करेंगे, क्योंकि मैंने इनके अंडर में जो ट्रेनिंग किया था तो बहुत शानदार लाजवाब, बहुत बढ़िया हुई थी। और इनको मैंने बुलवा भी दिया है कि अभी जो अगले 100 स्टूडेंट्स हैं, आप इसको ज्वाइन करने वाले हो, एब्सोल्युटली फ्री, रजिस्ट्रेशन ऑन कर देंगे। यस, उसमें करा दीजिए। और वो चीज अगर हो गई, आपको पसंद आ गई कि बहुत अच्छा है, तो इसको रिकमेंड कीजिए, आगे बोलिए, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स को आज इसकी जरूरत है। पढ़ाई तो करनी है, पर इनर पढ़ाई भी करनी है। इनर पढ़ाई कर, हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड को इनर पढ़ाई कराता है, तो हम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते, है ना? यस यस। और इतने बढ़िया बंदा आपको मिला हुआ है जो आपको दिल से कर रहा है, तो हमको करना ही चाहिए। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जिंदगी में आप हर चीज अचीव कर सकते हो, राठौर भाई बोल सकते हो। और सबसे बड़ी बात है जो शुरू में बोला कि बहुत लोग बोलते हैं अरे यार मेरा दिल टूट गया, हाँ, है, और मैं फेल हो गया, मुझे चीट कर दिया लोगों ने, चीट कर दिया, लूट लिया किसी ने, लूट लिया किसी ने, तो भैया उसको सबसे पहले क्या है कि आप हर एक के साथ होती हैं ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुई, राठौर भाई के साथ हुई होंगी, सबके साथ होती है। चैलेंज ये है कि आप उस पर रिएक्शन क्या दे रहे हैं, आप उस पर टूट रहे हो या आप एक अपने जुनून क्रिएट कर रहे हो कि अब मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करके इन सब चीजों से ऊपर उठ जाऊंगा। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया, बड़ी कोठी आपकी बनेगी, रहोगे आप उसमें, बड़ी कार आपकी आएगी, चलोगे आप, चलाओगे आप उसमें या चलोगे आप उसमें अगर आपके साथ ड्राइवर भी है। और उसके बाद आप सोचो कितने लोगों को सैलरी भी दे रहे हो। अब आप सोचोगे अरे यार ऐसे ये थॉट को पकड़ना है, नो, इस थॉट को साइड में कराओ, इट इज पॉसिबल। इसीलिए वो बड़ी बड़ी इनफाइनाइट पावर है ना, जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आज ना यूनिवर्स चेक कर लो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। हम लोग एक गैलेक्सी के अंदर है, कितनी गैलेक्सीज हैं? बहुत सारे, पता ही ट्रिलियंस। और अब तो बोलते हैं कि मल्टीवर्स हो गया, स्पाइडरमैन में आप देख ही चुके, एवेंजर्स में देख चुके। तो ये सब चीजें हमारे हिंदुस्तान से शुरू हुई है, बाहर के लोग जो है सब बता रहे हैं, सब एक ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इन चीजों से एक उससे मिलो कि आपके अंदर कितनी बड़ी पावर है, उससे कनेक्ट कर गए। जब आप पावर से कनेक्ट करते हो तो पावर आती है कि नहीं आती? यस, दैट्स व्हाट। बन जाओ यार नंबर वन, सारे विनर बन जाओ, और उसके बाद चाहिए तो मुझे बुला लेना, अवार्ड देने मैं आ जाऊंगा प्रोफेशनली पैसे देते नहीं नहीं चलेगा यार, राठौर भाई के इधर होगा तो मैं ऐसे ही आऊंगा, आपके उधर होगा तो पैसे ले लूंगा। थैंक यू। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आप जीतो लाइफ में, क्योंकि हमें बहुत खुशी होगी। आप जीतोगे, आपका परिवार जीतेगा, आपका परिवार जीतेगा तो हमारा हिंदुस्तान जीतेगा। वो तो सही है। लास्ट क्वेश्चन, सुधीर भाई आप शादी कब कर रहे हो? आर यू गेटिंग मैरिड? क्योंकि ये सुख देखते हैं, हर शादी शुदा बंदा मुझे क्यों पूछता है? क्योंकि वो जलता है। तो आपने जवाब सुन लिया इनसे? एब्सोल्युटली करेक्ट। आज आप किसी के साथ घूम सकते हो, हम नहीं घूम सकते। सो कब कर रहे हो आप शादी का? तो अभी मुझे भी नहीं पता, तो मैं इसलिए बता नहीं सकता। अभी मेरा पूरा फोकस है कि आप सबके लिए पूरे तन मन धन से मेहनत करके जितने जो मेरे पास आएंगे उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, उनकी ड्रीम को रियलाइज कराया जाए। और मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। तो आप भी इसको सीरियसली लेना, तभी आना मेरे पास अगर आप सीरियस हो। अगर सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ मत आना, आपका मेरा दोनों का टाइम खराब होगा। और मैं आपके लिए वहाँ वो कर जाऊँगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, मैजिक।
Wow. So this was a very interesting conversation with Sodhi bhai, and message sirf ye tha ki apne sanskriti, apne vishwas, rab mein vishwas rakhna hai. कर्ज हो या दिल टूटने का कोई भी चीज, उसे डरना नहीं है. जिंदगी को हमेशा फ्यूचर के लिए देखना है, नेक्स्ट इज द बेस्ट की पॉलिसी रखनी है, एंड लोगों को हेल्प करना है और साथ साथ चलना है. इट्स नॉट द जर्नी ऑफ द आई, इट्स द जर्नी ऑफ द वी, इट्स द जर्नी ऑफ द स्ट्रेंथ, इट्स जर्नी ऑफ द पावर, इट्स जर्नी ऑफ द एबिलिटी टू डू समथिंग ग्रेट, एंड ऑफकोर्स यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर यू टू डू समथिंग अल्टीमेट. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, दिल से फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट योर फ्रेंड्स बी बेनिफिटेड विद द जर्नी एंड द पेन ऑफ सोडी भाई. इस दुनिया में लोग सक्सेसफुल हैं विद द पेन, नॉट विदाउट पेन. पीपल आर सक्सेसफुल बाय डिंट ऑफ द इशूज इन द प्रॉब्लम. नोबडी इन दिस यूनिवर्स इज देयर हु डज नॉट हैव एनी इशू विद द पेन. सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके पास कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, और उसको कहते हैं मुर्दा. सो अगर जिंदा है तो आप में दर्द भी रहेगा, इस बात को समझ के चलना है. एंजॉय योर पेन, एंजॉय द प्लेजर इन द पेन, एंड दैट विल बी द मोटिवेटिंग फैक्टर, सक्सेस फैक्टर. दैट्स अ पॉइंट. एक चीज बोलना चाहता हूँ. एक चीज, हाँ, मेरा ओरिजिनल नाम बोलिए. हाँ, वो बोलना चाहता हूँ. पीएस राठौर का भी आज पूरा नाम बताएंगे. ये तो किसी को नहीं जानता, लोग बैठ करते हैं. आज मुझे पता चला मैं सिंह हूँ, ये भी सिंह है. सिंह एंड सिंह. सिंह आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, आज पता चला गया. तो आपका पूरा नाम गुरु चरण सिंह. गुरु चरण सिंह, गुरु चरण सिंह रहने वाले गुरु चरण सिंह सोडी साहब ये हैं. और एक लास्ट मैसेज दीजिएगा, और मेरा नाम आप बता दीजिए. परमात्मा सिंह राठौर. परमात्मा सिंह राठौर, देखो परमात्मा से पहले से ही जुड़े हुए हैं. परमात्मा सिंह राठौर, सिंह एंड सिंह एंड सिंह, बोथ आर किंग. एक मैसेज बच्चों को दे दीजिए, देन विल क्लोज दिस एपिसोड. मैसेज अब नहीं दे रहा अब, बस आपसे यही कहना है कि आप के अंदर एक वो पावर है जो आप बाहर देखते हो ना, जब आप यूनिवर्स को देखोगे वही पावर आपके अंदर है. अब ये आपने सुना, हो सकता है आप इस पर विश्वास नहीं करोगे. विश्वास कर सकते हो जब उसको एक्सपीरियंस करोगे. अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसके एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस कर लो जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है. वाओ. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रब जी हमको इतना भंडार देना चाहते हैं पर हमको लगता है नहीं इतना सा ही मिल पाएगा, तो फिर वही मिलता है. तो बिलीफ जो इन्होंने भी बोली थी राठौर भाई ने, शुरुआत बिलीफ से ही होती है. जिसने भी इलेक्ट्रिसिटी लेके आया, जब फ्लाइट एरोप्लेन लेके आया, या जो भी आप चीज देख रहे हैं, ये कैमरा देख रहे हैं, मोबाइल फोन देख रहे हैं, सोचिए. मतलब जब मैं एसटीडी की बात कर रहा था उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, सोच नहीं सकता था कोई. कभी हमने सोचा था कि भैया मैं अमेरिका में बैठा हूँ, एक हाथ में लेके घूम रहे हैं फर्स्ट क्लास, ऐसा सोचा था? तो बिलीफ था ना किसी का. बिलीफ था, किसने सोचा? बिलीफ 100% की होगा. तो ये बिलीफ अपने अंदर रखिए. ये बिलीफ अगर आपने रखा, लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे, बस बिलीफ अगर रहा ना तो चैलेंजेस ऐसे निकल जाएंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप उस चीज को एक्सपीरियंस करोगे. और वो जो एक्सपीरियंस जब होगा ना, आहा, आपको मतलब फील गुड होगा. यू विल फील गुड. यस, आई हैव अचीव्ड इट. करेक्ट. क्योंकि देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम पेन को बहुत सहन कर रहे हैं. सहन कर एक्चुअली वो पेन को वहां मत ले जाओ जहां पे आप टूट जाओ. आप उस पेन को वहां ले जाओ जहां बोलो कि बस बहुत हो गया, अब मेरे ड्रीम्स का रियलिटी, उसको एक्सपीरियंस करना मेरा शुरू. ये बिलीफ आपके अंदर है, आप चाहे हमारे पास आओ या नहीं हो, आपके अंदर वो है. आप उसके साथ कनेक्ट करो तो भी बढ़ जाओगे आगे. एक से एक बढ़कर स्टोरी से अपनी स्टोरी क्रिएट करो. ऑल द बेस्ट. चक दे फटे, चक दे फटे. थैंक यू वेरी मच.